15 अगस्त 1947। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब जब आपने अपने आप को संवारा है, अपने आप को समझा है, तब आप विजयी हुए हैं, और जब आप अपने आप को भूले हैं तभी आप पराजित हुए। अपने आप को समझिए, अपने शास्त्रों के प्रकाश में अपने धर्म को देखिए। सनातन धर्म कहता है कि तुम्हारे 4 प्राप्तव्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मानुसार तुम अर्थ का संचय करो। लूटने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता। हाँ, जल्दी शॉर्टकट वे से रिचेस्ट पीपल बनने के लिए इजाजत नहीं देता, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने भाव बल से धन को अर्जित करने की प्रेरणा देता है तुम्हें। धर्मानुसार अर्थ का उत्पादन करो और धर्मानुसार काम का सेवन करो। काम बुरा नहीं है, काम बुरा होता तो मैं कहां से आता वर्तमान में? कोई आकाश से गिरा नहीं है? इस संसार में भगवान जब अवतार लेता है वो भी किसी माता पिता के द्वारा ही तो आता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृतव। हे अर्जुन, धर्म अविरोधी जो काम है वो मेरा स्वरूप है। धर्म विरोधी काम कौन सा है? भगवान ने कहा, जनश्चास्मि कंदर्प। जो संतान उत्पन्न करने के लिए काम का प्रयोग किया जाता है वो मेरा स्वरूप, मेरी विभूति है, ऐसा भगवान ने कहा। इसलिए जहां पर यह बात समझाई गई है, आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, उससे पहले 2 बातें और बताई गई हैं। मातृवत परदारेषु, परदारेषु स्वदारेषु नहीं कहा, अपनी स्त्री को माता के समान देखो, यह उपदेश नहीं है। क्या उपदेश है? आप मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री तुम्हारे लिए मां के बराबर है। और पर द्रव्य सुलोष्टवत, और दूसरे का धन तुम्हारे लिए मिट्टी के बराबर है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, और सबकी आत्मा तुम्हारी आत्मा के बराबर है। या पश्यति स पंडिता, जो ऐसा देखता है वही पंडित है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि धर्मानुसार अर्थ के संचय की व्यवस्था है, धर्मानुसार काम के प्रयोग की व्यवस्था है, और जहां धर्मानुसार अर्थ और काम की पूर्ति की जाती है वहां पर मोक्ष के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। ये याद रखो, मोक्ष आपके हाथ में आ जाता है, मोक्ष के रास्ते पर आप स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा, धर्म ते विरति। जब आदमी धर्म का पालन करता है तो उसे उसमें स्वयं वैराग्य आ जाता है, स्वयं डिटैचमेंट हो जाता है, कहीं वो आसक्त नहीं होता। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से स्वतः वैराग्य होता है, और वैराग्य के बाद जीवन में योग की साधना आती है, और योग से ज्ञान का प्रकाश होता है, और ज्ञान के प्रकाश से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है, पुरोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने अभावों से छुटकारा। थोड़ा समझे? अज्ञान से छुटकारा, अभाव से छुटकारा, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का दूसरा अर्थ होता है पूर्णता, पूर्णत्व की प्राप्ति, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने नहीं होता कि आज मरकर कहीं चले जाओगे तुम, शास्त्र कहता है कि मोक्ष का कहीं निवास स्थान नहीं है, और न तो मरकर यहां से कहीं दूसरे देश में जाना है। कहा तो फिर मोक्ष क्या है? कहा अविद्या हृदय ग्रंथि, जो अविद्या की तुम्हारे हृदय में ग्रंथि पड़ी है, इससे छुटकारा ही मोक्ष आ जाता है। एक बात याद रख लो, जहां अविद्या व अज्ञान होगा वहां 3 बातें अपने साथ ले आएगा। कौन कौन से जानते हो? जहां अविद्या व अज्ञान होगा सबसे पहले वहां दरिद्रता आती है। दरिद्रता, दरिद्रता किसका परिणाम है? अविद्या। तुलसीदास जी क्या लिखा? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, सुमति माने शुद्ध मति, शुद्ध बुद्धि, वहां सब प्रकार की संपत्ति होती है, और जहां कुमति हो गई
अविद्या आ गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, वहां रात और दिन विपत्ति के सिवा कुछ नहीं। यह विपत्ति जो है, दरिद्रता जो है, यह अविद्या की देन है। याद रखो, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझे अपनी कहानी बताई और वो उस समय का माना हुआ धनी आदमी था उस नगर का। मुझे जब पता चला, नगर से कहा जाता था वो, मैंने उससे पूछा, हम कहा कि सुना है आप पाकिस्तान से उजड़ करके यहां आए थे, यहां आकर आपने अपने आप को कैसे सेट किया, कैसे फिर खड़ा किया? उसने कहा, गुरुदेव जब मैं पाकिस्तान से उजड़ करके आया तो मेरे पास 8 आने पैसे थे, 8 आने। एक दिन 8 आने का चना चबेना खरीद करके अपने बच्चों को खिलाया, मैं वहां करोड़पति आदमी था, यहां आकर भिखारी बन गया। लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं दान का पैसा नहीं लूंगा और न तो जहां पर गवर्नमेंट ने कैंप लगाया है लोगों को रोटी देने के लिए वहां जाकर हाथ फैलाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा। मैं सीधा चला गया मार्केट में, सोचने लगा क्या करूं। एक सेठ के पास गया, खड़ा हो गया, उसने पूछा कैसे आए आप? उसने कहा, मैंने बताया कि मैं आपके यहां सेवा के लिए, नौकरी के लिए आया हूं, क्या नौकरी आप करेंगे? कहता, जो आप दे दोगे। उसने कहा, मेरे पास तो कोई नौकरी है नहीं, एक काम है लेकिन आपसे होगा नहीं। उसने कहा, क्या? कहा, मेरे काम है कि जो लोग यहां से माल खरीदते हैं वो यहां से ले जाते हैं दूसरी जगह, तो उनको उठाने वाला कोई आदमी चाहिए, मोटिया उसे कहते, मोटिया गिर माल यहां से उठाकर वहां रखना, ये काम मेरे पास है लेकिन आपसे काम नहीं होगा। उसने कहा, मुझे देकर तो देखिए, आप मुझे देकर देखिए, आप मेरी शरीर की तरफ न देखिए, मैं मजदूरी करके खाने वाला व्यक्ति हूं, मैं मजदूरी करूंगा। सेठ ने देखा, उसने कहा कि आप मजदूरी करेंगे? उसने कहा, बिल्कुल। उसने कहा कि नहीं, आप भले आदमी हमें दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैं आपको मजदूरी करने के लिए नहीं दे सकता। कहा फिर? कहा कि मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूं कि हमारे यहां गेहूं की दुकान है, गले आप यहां से गेहूं ले जाइए, बिना पैसे के मैं आपको दे रहा हूं, और वो मार्केट है, उस मार्केट में ले जाकर गिरा दीजिए, वहां पर परचून में आप इसे बेचिए और जो आमदनी हो आप ले लेना और शाम को मेरे पैसा मेरे को लौटा देना, इतना मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसने कहा, बहुत अच्छी बात। वहां से एक बोरा गेहूं लिया और ले जाकर मार्केट में गिरा दिया। उन दिनों भारत में गेहूं 4 आने किलो बिकता था, 4 आने किलो। अब क्या भाव है मालूम है? कहीं पर 10 रुपए किलो, कहीं पर 6 रुपए किलो। उन दिनों 4 आने होते थे, बस चवन्नी जिसे कहते हो, चवन्नी के एक थे। तो उसने कहा कि मैं वहां गया तो देखा लोग 4 आने किलो गेहूं बेचते थे। हमने कहा, भाई 3 आने किलो, 3 आने किलो। कहा, जब 3 आने किलो मैंने कहा तो सब आए खरीद ले गए, और जिसने हमें दिया था उसने 3 आने किलो में दिया था, 3 आने किलो में उसने दिया था हमें, 3 आने किलो में हमने बेच दिया खुदरा में, और क्योंकि सब हमारे खरीद कर ले गए, घंटे में साफ हो गया। मैं फिर गया, फिर एक बोरी ले आया, फिर बेच दिया, फिर गया, फिर एक बोरी ले आया, बेच दिया। वो कहता है, जब तक लोग इंतजार करते रहे तब तक मैं 4 बोरी गेहूं बेच दिए, और 4 बोरी गेहूं बेच करके उसको नमस्कार किया सेठ को, और वहां से मैं 2 रुपया मिला लेकर के चला आया। मैंने पूछा, उनका 2 रुपया कैसे मिला? वो कहता है, जिस बोरे में गेहूं होता था उस बोरे की कीमत होती थी, उस बोरे को हम लेते थे, गेहूं खरीदते थे, बोरा हमें मिल जाता था, तो गेहूं तो हमने दाम के दाम पर बेच दिया और बोरे का पैसा हमें बच गया। 4 बोरे बेचे दिन भर में 2 रुपए बने, 8 आने के 1 बोरा बिकता था, 2 रुपया लेकर के आ गया। कहता, इस ढंग से हमने पैसा कमाया, और जब हमारे पास पैसा हो गया तो हमने एक दुकान खोली है, और उससे धीरे धीरे बढ़ाते हुए इतना हो गया,
हमारे पास एक सज्जन बैठे हुए थे। मैंने उसे पूछा, हम कहा सुन रहे हो क्या? बोले हाँ। हम कहा तुम कितना दिन का कमाते हो आजकल? तुम्हें से कहने लगे कि मुझे तो 40 रुपया रोज मिलता है। हम कहा कितना बचाया हो तुमने? कहा हमने कुछ नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? क्या हुआ भाई? 40 रुपया रोज कमाते हो, तुम्हारा परिवार सारा खा जाता है। सर नीचे कर लिया। कहा नहीं गुरु जी। हम कहा फिर क्या होता है? मैं तो जानता था क्या होता है। हम कहा कि देखो 40 रुपये तुम कमाते हो, 10 रुपये परिवार को देते हो, यही ना? बोले हाँ। हम कहा 10 रुपये की बोतल तुम रोज पीते हो? बोले हाँ। हम कहा 4-5 रुपये का सिगरेट रोज पीते हो तुम? कितने पैकेट दिन भर के पीते हो? कहता मैं तो चैन स्मोकर हूं, चैन स्मोकर कंटिन्यू। हाँ। हम कहा कि वो भी गया तेरा। इस प्रकार से 40 रुपये कमाते हो तुम, 10 रुपये घर वालों को देते हो, 30 रुपये तुम अपने व्यसन में लाते हो। व्यसन? अरे भाई सब्जी खरीदने जाओ बाजार में तो 2-3-4-10 रुपये किलो मिल जाएगी, और जब मांस खरीदने जाओगे कितने रुपए किलो मिलेगी? हो उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा, क्योंकि सब्जी तो खेत में पैदा होती है, मांस तो खेत में पैदा होती नहीं, वो तो किसी को काट करके खाना पड़ता है, तो काटने वाला भी लेता है, पालने वाला भी लेता है, बेचने वाला भी लेता है, तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते कितना दाम पड़ जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि 30 रुपया तुम्हारा व्यर्थ में चला जाता है। यदि तुम कायदे से रहो, मांस न खाओ, मदिरा न पियो, सिगरेट न पियो, जुआ न खेलो, यानी सट्टा न लगाओ, तो तुम्हारे पास 10 कम से कम 30 रुपया रोज बच सकता है। और 30 रुपया यदि रोज बचाओ तुम तो महीने में कितना होता है? 900 रुपया होता है। महीने में 900 यदि बचा लिया तो 12 महीने में तुम 12,000 रुपया बचा सकते हो, 10,000-12,000, और 12,000 लगाकर यदि तुम कोई काम कर लो तो तुम भी अमीर आदमी बन सकते हो, और नहीं तो 40 रुपया रोज कमाते कमाते ऐसे चरित्रता में जिंदगी चली जाएगी तुम्हारी। मेरे कहने का अभिप्राय, दुनिया में जो संपत्ति है, अर्थ है, वो सदाचार से प्राप्त होता है, दुराचार से नहीं। दुराचार से जो अर्थ प्राप्त होता है वो नष्ट हो जाता है। प्राप्त एकादशे वर्षे सब गुणम च विनश्यति, ऐसा नीति शास्त्र का कथन है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि धर्मानुसार अर्थ का संचय करो, धर्मानुसार काम का सेवन करो। यदि ये दोनों काम करते रहोगे तो तुम्हारे पास मोक्ष का रास्ता अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। दुनिया में दरिद्र कौन होता है? जो व्यसनी है, जिसके कोई व्यसन, व्यसन तो आप लोग जानते होंगे, कोई बुराई, किसी भी प्रकार की बुरी आदत लग गई, उसका जीवन फिर नहीं सुधरता। एक शायर ने लिखा है, एक शेर, सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में, क्या कहता हूं? दोस्तों ने कहा कि ये घूट ले ले, दोस्तों कानों में आकर मैंने ये घूट ले लिया, तो सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में, शौक में एक कदम रख लिया गलत रास्ते पर, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। वो कहता जीवन भर मुझे मंजिल नहीं मिली, लक्ष्य नहीं मिला जीवन का, भटकता रह गया। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सनातन धर्म आपको बताता है कि आपके लिए 4 प्राप्तव्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को समझिए पहले, धर्मानुसार अर्थ का संचय कीजिए, खूब संचय कीजिए। हम दरिद्रता के हिमायती नहीं है नाना। जो व्यक्ति दरिद्र है, परिवार दरिद्र है, समाज दरिद्र है, जाति दरिद्र है, देश दरिद्र है, उसका दुनिया में कहीं आदर का स्थान नहीं है। याद रखना, याद रखना। जब भारत स्वतंत्र था, हुआ था 1947 में, उस समय 40 करोड़ की आबादी भारत की थी, उसमें बट गई, 7 करोड़ पाकिस्तान बन गया था और 33 करोड़ हिंदुस्तान रह गया था। 33 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अपने पास रोटी नहीं होती थी तो अमेरिका से और कनाडा से गेहूं मंगा करके खाते थे। क्या समझे? 33 करोड़ लोगों के लिए रोटी नहीं होती थी वहां पर, अमेरिका और कनाडा से गेहूं जाता था तो खाते थे। और ये कब तक चला? 1964-65 तक यही हालत रही, क्योंकि किसी को अकल ही नहीं आई कि कैसे अपने आप को करे। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1965 में,
तो अमेरिका ने कहा भारत को कि तुम युद्ध बंद कर दो। उन दिनों सही माने में भारत में एक सपूत पैदा हुआ था, भारत का प्राइम मिनिस्टर बना था, जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। नाम सुना होगा आप लोगों ने। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नहीं, युद्ध बंद नहीं होगा, युद्ध मैंने नहीं शुरू किया, युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया है, और यह बंद नहीं होगा, ये तो आखिरी निर्णय के बाद बंद होगा। अमेरिका ने कहा यदि तुम युद्ध नहीं बंद करोगे तो हम तुम्हारी रोटी बंद कर देंगे, क्योंकि गेहूं तो अमेरिका से आता था, रोटी तो वहां से चलती थी। उन्होंने कहा ठहरो, इसका उत्तर मैं कल आपको दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने खाद्य मंत्री को बुलाया और सेक्रेटरी को बुलाया। उन्होंने पूछा कि भाई हमारे देश में गेहूं की कितनी कमी है। उसने कहा साहब इस साल के लिए अभी 5 लाख टन गेहूं चाहिए। क्या समझे? 5 लाख टन गेहूं की कमी है, थोड़ी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा कि यदि भारत की जनता एक दिन का व्रत करे तो कितना गेहूं बचेगा। उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि 7.5 लाख टन। क्या समझे? भारत की जनता यदि एक दिन का व्रत करे तो 7.5 लाख टन गेहूं बचा सकती है, और नहीं व्रत करेगी तो 5 लाख टन गेहूं की कमी है। उन्होंने दूसरे दिन अमेरिका से कहा कि मेरे पास 2.5 लाख टन सरप्लस गेहूं है, हमें तुम्हारा गेहूं नहीं चाहिए, सरप्लस है। और उन्होंने कहा अपने देशवासियों को कि आज से हर सोमवार को हर एक भारत का व्यक्ति बच्चे और बूढ़े को छोड़कर के व्रत करेगा। भारत की जनता ने स्वीकार कर लिया कि हम व्रत करेंगे। एक दो दिन तक नहीं, वर्षों तक भारत में सोमवार को रोटी नहीं बनी किसी के घर। सप्ताह में एक दिन का व्रत करने से कोई भूखा नहीं मरता, बल्कि स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और हम हिंदू तो पहले से ही करते हैं एक दिन का व्रत करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और उस बहादुर ने नारा दिया जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर का दिया हुआ नारा है। और उसके नारे का परिणाम आज क्या है जानते हो? जब भारत की आबादी 33 करोड़ थी तो वहां के लोग अपने लिए रोटी नहीं पैदा कर पाते थे। आज भारत की आबादी 90 करोड़ है। कितना है? 90 करोड़, 3 गुना अधिक। और इस समय भारत के पास 1 करोड़ टन गेहूं हर साल सरप्लस बचता है। 1 करोड़ टन, थोड़ा नहीं। आज भारत एक नहीं कई देशों को पाल रहा है। चाइना ऐसे देश को अभी 20 लाख टन गेहूं दिया है, अभी दिया 2 महीने पहले 20 लाख टन गेहूं। और जितने रशिया से अलग हुए हैं इन सब देशों को भारत गेहूं दे रहा है, रशिया को स्वयं को भारत गेहूं दे रहा है, जितने मिडिल ईस्ट के देश है उनको भारत गेहूं देता है, जितने पूरब के देश है सबको भारत चावल देता है, जापान तक को चावल देता है, भारत खाने की सामग्री भारत दे रहा है। 90 करोड़ लोग हैं वहां पर, और भारत के पास इतना भंडार भरा हुआ है कि 3 वर्ष तक यदि पानी न बरसे वहां और एक भी अन्न पैदा न हो तब भी 90 करोड़ व्यक्तियों के लिए 3 वर्ष का भोजन का सामान पहले रख करके तब भारत सरकार दे रही बाहर। खाद्य पैदा हो गया, एक व्यक्ति की देन है, सही दिशा दिया उसने लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। मैं आप लोगों के बता रहा था कि आप पुरुषार्थी हैं, दुनिया में आपसे बड़ा पुरुषार्थी कोई नहीं मिलेगा। हिंदुओं से बड़ा पुरुषार्थी कौन मिलेगा? आपके पूर्वजों को ला करके अंग्रेजों ने यहां जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने आपकी पुरुषार्थ से जंगल में भंगल बना दिया। ये उनके पुरुषार्थ का ही परिणाम है, नहीं तो जंगल में यहां और था क्या ना? आप लोग सोचिए जरा कितने पुरुषार्थी रहे होंगे वो आपके पूर्वज जो भारत से यहां आए, उत्तर प्रदेश से यहां आए। आज भी भारत का गौरव भारत की जनता के ऊपर निर्भर है। आज भारत के लोग जितने पुरुषार्थी हैं, हिंदू जितना संयमी है दुनिया में कोई उतना संयमी नहीं हो सकता, क्योंकि संयम किसी हिंदू को जन्म से दी जाती है। हिंदू जितना उदार है दुनिया में कोई उतना उदार नहीं हो सकता, क्योंकि उदारता किसी हिंदू को जन्म से दी जाती है। हिंदू जितना धैर्यमान है उतना धैर्यमान दुनिया का कोई देश नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू को धर्म किसी धैर्य किसी जन्म से दी जाती है।
ये हमारे संस्कार में, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि आप सनातन धर्म के जिस सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं, अपने वैभव को बढ़ा सकते हैं, वो आपके पास, आप उसको समझिए। उससे श्रेष्ठ और मार्ग दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि सबसे पहले तुम धर्म को अपनाओ, धर्म को। जो कहीं आगे धर्म को कहीं आगे करता, जो धर्म को रखता है ईश्वर उसकी रक्षा करता है। धर्म ये वह तो हम थी धर्म रक्षित रक्षित, ये भगवान व्यास देव की घोषणा है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का त्याग कर देता है धर्म उसका त्याग कर देता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए धर्म प्रथम है, धर्म है बुद्धि का प्रकाश, धर्म विश्वास का नाम नहीं है, धर्म बुद्धि का प्रकाश है। इसलिए बुद्धि प्राप्त करने की कोशिश करो। जहां अज्ञानता होती है वहां सबसे पहले दरिद्रता आती है, मेरी बात याद रखो। जहां दरिद्रता आती है वहां सबसे पहले निर्बलता आती है। दरिद्र आदमी हमेशा निर्बल होता है, कायर होता है। दरिद्र आदमी में साहस कहां से आएगा? और जहां दरिद्रता है कायरता है वहां पर परतंत्रता में कोई कसर ही नहीं रहती, तो स्वयं दूसरे का हीन हो जाएगा। तो अज्ञान के तीन परिणाम है कौन कौन से? अज्ञान के तीन परिणाम दरिद्रता, निर्बलता और परतंत्रता। ये तीनों अज्ञान के परिणाम है। और ज्ञान के इसके निवर्त है, जो ज्ञानवान है वही संपत्तिशाली है, जहां सुमत तह संपत्ति नाना। और जो ज्ञानवान है वही बलवान है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान होता है। और जो ज्ञानवान है वही दुनिया में स्वतंत्र रहता है। स आपनोति स्वराज्यम, वेद की घोषणा है, स आपनोति स्वराज्यम, ज्ञानवान ही स्वराज्य प्राप्त करता है। इसलिए याद रखो, यदि आपको गौरव के साथ दुनिया में जीना है, संपत्तिशाली होकर जीना है, ऐश्वर्यशाली होकर जीना है और स्वाभिमान के साथ जीना है, वीर बनकर के जीना है, तो सबका मूल स्रोत जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो। अज्ञानी मत बनो, अंधविश्वासी मत बनो, ये सनातन धर्म की सीख है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग सनातन धर्म की इस महिमा को समझिए। और जब आप में ज्ञान आएगा वही संगठन होगा। अज्ञानता में अहंकार पैदा होता है और अहंकार से विघटन होता है। क्या हम तुमसे कम है? बस वही खत्म हो गए, सारा संगठन यही टूटता है। वो कैसे आगे बढ़ेगा, हम क्यों नहीं आगे रहे? वही संगठन खत्म होता है। तो जहां अज्ञान है वही अहंकार है, जहां अहंकार है वही विघटन है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि दुर्गा सप्तशती के उस अध्याय को समझिए और याद रखिए, जब आपकी सारी शक्ति इकट्ठा होगी तो आप में प्रचंड शक्ति का जागरण होगा और वह प्रचंड शक्ति आपको दैत्यों से सदा के लिए मुक्त कर देगी, परतंत्रता से, दीनता से, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्त कर देगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं है, दुर्गा सप्तशती की यही सीख है। और आज के प्रथम दिन के व्याख्यान में जो मैंने आप लोगों को समझाया है इसको समझिए। सनातन धर्म अर्थ को बुरा नहीं मानता, जीवन की यात्रा का साधन मानता है, काम को बुरा नहीं मानता, वह पवित्र आत्माओं के अवतरण का माध्यम मानता है और मोक्ष उसका अंतिम लक्ष्य है, धर्म उसका मूल आधार है। आज भारत 900 वर्षों के संघर्ष के बाद भी जीवित है तो उसका केवल एक कारण रहा है कि भारत ने सब कुछ छोड़ दिया, गमा दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, धर्म उसके साथ था। और जहां धर्म है आखिर में वही विजय होती है। यतो धर्मः ततः कृष्णः यतः कृष्णः ततो जयः, जहां धर्म है वहां परमात्मा है, जहां परमात्मा है वही विजय। इसलिए आप लोग इस धर्म के रहस्य को समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा, कल पुनः आप लोगों से चर्चा करूंगा। अब आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवेत् मा कस्य दुःख भाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ।